कैसे एकदम ना पहाड़ों के बीच से में से रास्ता निकाल रखा है, जैसे काट काट के काट काट के काट काट के कैसे ना पहाड़ भी खड़े हैं और बीच में से रास्ता भी निकाल रखा है। सो दिस इज द बुद्धा स्टैचू, यहाँ जो मैंशनड है इट इज स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में हमारे चैनल पे। तो लास्ट वीडियो में मैं काजा पहुँच गया था, काजा पहुँच के अभी मैं लांगजा की तरफ जा रहा था। तो लांगजा की तरफ जाते जाते मुझे एक मोनेस्ट्री दिखी, वो देखते हैं पहले। और एक बाकी यहाँ पे आई लव स्पीति का है, बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, ये देखो इतना बढ़िया बोर्ड लगा हुआ है आई लव स्पीति का, ये है। और इसके बाद अब यहाँ से आगे बस थोड़ा सा टाइम यहाँ स्पेंड करते हैं, फ़ोटो वोटो लेते हैं, इसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं जाके। चलो लांगजा जा रहा था, तो लांगजा जाते हुए ये रास्ते में एक मोनेस्ट्री पड़ी, मोनेस्ट्री तो बंद है बट बड़ी अच्छी लगी मुझे, तो मैं एक बार बस ऐसे देखने के लिए रुक गया था। तो ये है जी लांगजा का रास्ता, और बड़ा जल्दी हाइट अटेन हो रही है इसमें। एक्चुअली अगर देखा जाए तो बहुत ही जल्दी जल्दी हाइट अटेन हो रही है इसमें, और ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे रोड टू हेवन काइंड। गाड़ी का जोर बहुत ज़्यादा लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा स्टीप है। तो अब समझ में आता है सर्दियों में इतना टफ क्यों हो जाता है ये, क्योंकि सर्दियों में एक तो स्लिपरी रोड और ऊपर से ये ऐसा बुरा हाल, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है सर्दियों में। तो भाई चलो ये चलो कोई नहीं, पहुँचते हैं कुछ 20-22 किलोमीटर बता रहे थे लोग हैं, पहुँचते हैं लांगजा फिर देखते हैं वहाँ पर क्या नज़ारे हैं। वहाँ पर आप लैंडस्केप देखना कैसे हैं, मतलब ये जो रास्ता देखो बीच में से कैसे आया निकल के आया, अभी ये रास्ता देखो कैसे एकदम ना पहाड़ों के बीच से में से रास्ता निकाल रखा है, जैसे काट काट के काट काट के काट काट के कैसे ना पहाड़ भी खड़े हैं और बीच में से रास्ता भी निकाल रखा है। तो मेरे को ऐसे लगा मैं कहीं रुक के चलो, वहाँ वीडियो चलती गाड़ी चलती वीडियो नहीं बन पा रहा था, तो मैंने कहा चलो रुक के बनाते हैं आराम से, बहुत बढ़िया लग रहा है ना ये। हम लांगजा पहुँचने वाले हैं और जैसे ऐसे ऊपर आ रहे हैं, ऊपर आके जैसे फ्लैट सा स्ट्रक्चर आ गया है, मतलब ना जैसे हिल्स नहीं है बहुत ज़्यादा, फ्लैट सा है कुछ। अभी वो आया था बवंडर सा, मैं उसमें फंस गया सारा अंदर गाड़ी के, वो मिट्टी मिट्टी से हो गई। तो हाँ ऊपर पहुंच के मैं कह रहा था, ऊपर पहुंच के काफ़ी ठीक सा हो जाता है, ऊपर पहुंच के इतना बुरा हाल नहीं है। रास्ता ना वैसे बना हुआ ठीक है बट वैसे ना रिस्की सा लगता है बहुत, पता नहीं क्यों मुझे वैसे लग रहा था बहुत रिस्की रास्ता है, एक डर सा लग रहा था पता नहीं रास्ते पर आते हुए ना। बाकी चलो अब तो लांगजा पहुँचने वाले हैं, रास्ता ठीक है, रोड कंडीशन ठीक है, मतलब ड्राइव के एंगल से पता नहीं मेरे को क्यों, एक तो एक तरफ डीप बहुत ज़्यादा था तो मैं भी उसकी वजह से लग रहा हो शायद, बट ये रोड सारी ही ऐसी जैसे दिख रही है, सारी ही रोड ऐसी है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। लांगजा में ये है जी मूर्ति, अगर आपको दिख रही हो तो यहाँ पे जूम करके दिखाऊँ, ये है जी पॉइंट देखने का, हमें यहाँ पहुँचना है, अभी घूम फिर के पहुँचते हैं। ये बाकी लांगजा गाँव है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है ना, फोटो तो बनती है उतर के व्यू देखने की ट्राई करो। देख लो कितना बीच में बड़ा ऐसे ग्राउंड जैसा कुछ है, ग्राउंड नहीं बेसिकली काइंड ऑफ वैली है, यही लांगजा गांव का ही एरिया होगा होपफुली शायद सारा। तो इतने बढ़िया खेत बना रखे हैं लोगों ने, है ना, पूरा खेती वेती कर रखी है और बीच में सड़क आ रही है, नीचे ग्रीन है, बीच में ब्राउन और ग्रीन मिक्स से पहाड़ हैं, ऊपर बादल है, मतलब एक छोटा सा गाँव इतना फैंटास्टिक जगह बना रखी है ना, मतलब इतनी बढ़िया जगह इन्होंने, पता नहीं ये अपनी बेसिक नीड्स कैसे पूरी करते होंगे बट एकदम वैली के बीच में बना हुआ है, एकदम वैली के बीच में, बहुत बढ़िया जी। चलो एक बार अब स्टैचू के पास चलते हैं, उधर बुद्धा की प्रतिमा के पास वहाँ चलते हैं, वहाँ से फिर आके चल के निकलते हैं जी वापस आगे के लिए। अभी आपको गाड़ी ऊपर पार्क करनी पड़ेगी और उसके बाद यहाँ से पैदल आना पड़ेगा, पहले ये रास्ता था पूरा, यहाँ तो ये खराब वराब हो गया इसलिए बंद कर दिया है, बट अब आपको वहाँ तक पैदल पैदल जाना पड़ेगा, पैदल पैदल ही हैव टू वॉक अराउंड, बट वैली बहुत बढ़िया है। अब ओवरऑल वैली देखो बहुत सुकून वाली वैली है, वहाँ पहुँचते हैं आगे। सो दिस इज द बुद्धा स्टैचू,
यहाँ जो मैंशनड है इट इज़ बुद्धा स्टैचू ऑफ लांगजा 35 feet। तो ये 35 feet का स्टैचू है और यहाँ पे जो अगर इसकी बात करें एल्टीट्यूड 14,300 feet वी आर एट। तो बहुत अच्छा है, मतलब अच्छी जगह है, मतलब बहुत दूर से दिखता है, बस दूर से इतना बड़ा नहीं लगता, पास आकर देखो तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, काफ़ी बड़ा स्टैचू है ये देखो। ये रोड है जिससे हम आए हैं अभी ना, जो रोड दिख रही है पूरी, इसी से घूमते 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 वहाँ से घूमते आए हम। अब यहाँ से हम वापस जाना और यहाँ से हम निकलेंगे अभी, हम मतलब मैं मतलब मेरे बार बार हम निकलता रहता है क्योंकि बहुत लोग ठोक चुके हैं इस बार। तो चलो जी हम निकलते हैं यहाँ से और सब मैं पहुँचूँगा हिक्किम, यहाँ से आगे चलते हैं हिक्किम को। यहाँ हवा बहुत तेज़ है, हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे, वो एक चीज है बहुत तेज चल रही है। ज़्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बहुत जल्दी सांस चढ़ जाता है। दिस इज सम लोकल जूस, कोई बेरी होती है यहाँ पे, उसका कोई लोकल जूस है ये, बहुत टेस्टी और बहुत टेस्टी है। मैंने जस्ट अभी एक कप या दूसरा और लिया है मैंने, बहुत टेस्टी है ये, मज़ेदार डिश है ये बहुत। तो आओ तो यहाँ टेस्ट कर सकते हो, यहीं पे लोकल लोग मिल जाएंगे जो बेच रहे हैं इसको, बहुत टेस्टी है ये। ठीक है जी, इस व्लॉग को भी करते हैं फिर खत्म, अगले के वीडियो मिलते हैं आपसे हिक्किम में और वहाँ देखते हैं क्या कुछ है देखने का, रास्ता देखते हैं और बाल उड़ते हुए देख लो, समझ लो कितनी तेज हवा चल रही है, जबरदस्त हो रही हवा चल रही है। चलो जी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक डू थिंग्स दैट मेक्स यू हैप्पी, मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई जगह के साथ। चल थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल, एंड नए हो चैनल पर तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं चलो अगले वीडियो में नई जगह के साथ।